ओवरऑल हमारे पास लगभग 1000 जानवर हैं, तो इनको खाने पीने विटामिन मिनरल से लेके और हीटर पुआल कंबल ये सब हम देते हैं। अगर आप बड़े मज़ेदार बात है, अगर कभी आप सुबह चिंपांजी को देखें तो अपना कंबल लिए लिए साथ में घूमता है, अगर आपने अभी देखा होगा तो वो कंबल अपना साथ में लिए जाता है, तो उसके 2 कंबल 3 कंबल रखते हैं कि जैसे वो गीला वीला कर दिया उसने या पानी भिगो दिया तो वो बाहर धूप में सूखता रहता है और फिर दूसरा उसको दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग अक्टूबर नवंबर से करने लगते हैं और ये व्यवस्थाएं जब तक तापमान 25 डिग्री 20 डिग्री तक नहीं हो जाता है, ऊपर नहीं आता, तब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहती। मैं मुंबई से आया हूँ तो स्पेशली मुझे बताया गया कि नखलों का ज़ू बहुत प्यारा है, तो बोला चलो बच्चों के साथ में लेके चलता हूँ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा अब तक के जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे। मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ का ज़ू बहुत अच्छा है, बनिस्बत मुंबई से काफ़ी बेटर है और ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद आया। और प्लस यहाँ पर अभी मैं स्नैक्स के लिए देखने गया था तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने आजकल ऐसे सब एनिमल्स का कोई इतना ख्याल नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने क्लाइमेट का देख के ठंडी का देख के इन्होंने बहुत अच्छा एक सेटअप किया है हीटर का, तो उससे एनिमल्स के लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर जो है हीटर की व्यवस्था की गई है, इससे बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि कुछ जानवर तो नेचुरल हैबिटेट जो प्रकृति में बास करते हैं ठंडे प्रदेशों में उनके हिसाब से सही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शुष्क प्रदेशों के हैं उनके हिसाब से बहुत दिक्कत वाली बात है, उनके लिए ठंडी ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है जू की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे इस बात का मैं आभारी भी हूँ कि जो भी जानवर प्रेमी होगा जो पशु प्रेमी होगा उसके लिए हर्ष की बात है ये सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है।